गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग चैप्टर फर्स्ट सोर्सेज ऑफ इंडियन मेडिवल पीरियड। इन लास्ट लेक्चर वी डिड अबाउट अर्ली मेडिवल पीरियड एंड लेटर मेडिवल पीरियड। अर्ली मेडिवल पीरियड 8 टू 12 सेंचुरी एंड लेटर मेडिवल पीरियड 13 टू 18 सेंचुरी। अर्ली मेडिवल पीरियड में देखते हैं तो हम राजपूत, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, ये किंगडम्स हुए। और लेटर मेडिवल पीरियड में बहमनी, अफगान, तुर्क, मुगल एम्पायर, ये मेन किंगडम्स हुए। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। जो मेडिवल पीरियड है उसकी नॉलेज, उसके बारे में हमें किन किन सोर्सेज से पता चलता है, हमें कैसे पता चलता है कि मेडिवल पीरियड कैसा था, उसमें लाइफस्टाइल कैसा था, लोग किन किन कस्टम्स को फॉलो करते थे, वहाँ पे किंग्स कैसे रूल करते थे, ऑल दीज थिंग। तो ये किससे पता चलता है, हमें सोर्सेज से, जो हमें एविडेंस मिले हैं उनसे। फर्स्टली तो सोर्सेज क्या होते हैं, सोर्सेज व्हाट आर सोर्सेज, सोर्सेज क्या है, क्लूज और एविडेंस। जो क्ल्यू या एविडेंस मिले हैं मेडिवल पीरियड के बारे में, ऑन द बेसिस ऑफ विच वी राइट हिस्ट्री आर नोन, इट मीन्स जिनके बेसिस पे हमारी हिस्ट्री लिखी गई है, उनके जो क्ल्यू और एविडेंस मिले हैं उनको बोलते हैं हम सोर्सेज। सोर्सेज को देखते हैं हम, टू टाइप के सोर्सेज होते हैं, आर्क्योलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेज। आर्क्योलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेज। जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है वो होते हैं बेटा जो नॉन रिटन फॉर्म में होते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को देखते हैं तो ये क्या है, मोस्ट ऑफ नॉन रिटन फॉर्म में होते हैं। लिटरेरी सोर्सेज जो रिटन फॉर्म में मिलते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में देखते हैं तो हम बिल्डिंग, मोनूमेंट्स, कॉइन्स, स्कल्पचर्स, ये सब होते हैं। और लिटरेरी में बुक्स मेन तो होते हैं, बुक्स, लिटरेचर, रिलीजियस लिटरेचर, सेकुलर लिटरेचर, वो हम इनमें इंक्लूड करते हैं। फर्स्टली आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को स्टडी करने से पहले हम पहले जानते हैं आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी क्या होती है। आर्कियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ए कल्चर ऑफ द पीरियड्स। जो आर्कियोलॉजी है वो क्या है, कल्चर्स के, जो क्या है, किसी भी पीरियड के कल्चर्स की स्टडी। हिस्ट्री बी एग्जामिन ऑफ रिमेन्स एंड अदर ऑब्जेक्ट। आर्कियोलॉजी स्टडी ऑफ कल्चर्स पीरियड्स बाय एग्जामिनिंग, मतलब जो किसी भी कल्चर और पीरियड के बारे में स्टडी करना, किसके एग्जामिन से, रिमेन्स, जो हमें रिमेन्स मिले हैं, रिमेन्स होता है बचे हुए, जो पीछे एविडेंस छोड़े हैं, अदर ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल पेंटिंग्स, आर्टिफैक्ट्स, वो सब, तो उन सब की क्या है आर्कियोलॉजी, उन सब की स्टडी क्या है आर्कियोलॉजी, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, पेंटिंग, कॉइन, स्कल्पचर्स, ठीक है। फर्स्टली बिल्डिंग एंड मोनूमेंट्स, अगर हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में देखें तो कौन कौन से आते हैं, इसमें आते हैं बिल्डिंग, मोनूमेंट्स, पेंटिंग्स, आर्टिफैक्ट, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, म्यूजिक, ये सब किसके पार्ट है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के पार्ट है। अब हम इनमें से इनको अलग अलग डिस्कस करेंगे, बिल्डिंग और मोनूमेंट्स, बिल्डिंग एंड मोनूमेंट्स। फर्स्टली तो देखते हैं हम बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स क्या होती है, वी नो वेरी वेल बिल्डिंग क्या होती, कोई भी बिल्डिंग अगर हम देखें तो कोई बिल्डिंग एक कॉमन वर्ड है, हम यूज करते हैं। लेकिन अगर हम आर्कियोलॉजी में देखें बेटा तो बिल्डिंग्स किन के लिए यूज किया है, जो पहले के किंग्स ने बनवा चुके हैं, फॉर एग्जांपल कुतुब मीनार, बुलंद दरवाज़ा, रेड फोर्ट, ताजमहल, ये क्या है, ये बिल्डिंग्स हैं, ये हमारे जो पास्ट के किंगडम्स हुए उनके किंग्स ने बनवाई हुई बिल्डिंग्स हैं। अब बात करते हैं मोनूमेंट्स, मोनूमेंट्स क्या होते हैं, एनी बिल्डिंग दैट हैज हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस, कोई भी बिल्डिंग जिसकी हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल वे से जिसकी सिग्निफिकेंस हो, इज कंसीडर एज मोनूमेंट्स, उसको मोनूमेंट्स बोलते हैं। दे मे बी इन फॉर्म ऑफ टेम्पल, वो कैसे कैसे हो सकती हैं, वो हो सकती हैं टेम्पल, हो सकती हैं फोर्ट्स, फोर्ट्स होते बेटा किले, जो पहले के किंग्स होते थे वो किले बनवाते थे, तो पैलेसेज, महल, ये सब क्या है, इन सब के क्या बोलते हैं, मोनूमेंट्स, ठीक है।
दीज टेल एस यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट आर्ट एंड आर्किटेक्चर। जो ये मोनूमेंट्स हैं या बिल्डिंग हैं, ये हमारे जो पास्ट के जो भी किंगडम जा चुकी हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। ये बताते हैं कि जो हम पुराना टाइम था उसमें आर्ट और आर्किटेक्चर कितने हाई क्वालिटी का हुआ था, आर्ट कितनी डेवलप थी, आर्ट के बारे में किंग कितने अवेयर थे कि उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बिल्डिंग उस टाइम में बनवाई थी। तो अगर हमारे पास ये एविडेंस अवेलेबल ना हो तो क्या हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो आर्ट थी कैसी थी, आर्किटेक्चर कैसा था, या फिर किंग्स थे वो किन किन जो शैली यूज करते थे बिल्डिंग्स मोनूमेंट्स या दूसरी चीज़ों को बनवाने में। अब नेक्स्ट आता है पेंटिंग एंड अदर आर्टिफैक्ट। पेंटिंग एंड अदर, पेंटिंग पेंटिंग एक कॉमन वर्ड है बेटा। हम क्या है, अपनी बुक्स में भी करते हैं पेंटिंग, लेकिन ये क्या है, ये पहले के आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में पेंटिंग्स है किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी टाइम पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं। क्योंकि जो पहले के किंग थे उन्होंने बिल्डिंग्स बनवाई थी, उन्होंने जो बिल्डिंग्स बनवाई, बिल्डिंग्स के साथ साथ उन्होंने पेंटिंग्स भी बनवाई। वो जो भी किंग होते थे तो वो अपनी कोर्ट में एक एक पेंटर रखते थे। तो पेंटर क्या होते थे, उनको जो भी उनकी मेन चीज़ होती थी उसकी पेंटिंग बनवा लेते थे। तो उन पेंटिंग से क्या है, उन पेंटिंग से हमें अब इंफॉर्मेशन मिल रही है, हमें पता चल रहा है कि किंग्स थे उनकी कोर्ट कैसे होती थी, उनकी फूड हैबिट। जैसे कोई भी पेंटिंग है उन्होंने अगर बनाई है तो उसमें क्या है, अगर कोई भी उनकी फूड हैबिट्स हैं उनके बारे में, या उस पेंटिंग में क्या है, जो ड्रेसेज पहने हुए दिखाते हैं, ज्वेलरी पहने हुए दिखाते हैं, या फिर कस्टम्स, कोई भी कस्टम रीति रिवाज को फॉलो करते हुए की पेंटिंग बना दी। तो ये पेंटिंग क्या होती थी बेटा, इन पेंटिंग्स के से क्या है, हमें हमारे जो पास्ट के किंगडम्स थे उनकी नॉलेज मिलती है। आर्टिफैक्ट, आर्टिफैक्ट में अगर हम बात करते हैं तो इसमें स्कप्चर, पोटरी, ऑर्नामेंट्स, ये सब इंक्लूड किए जाते हैं। पोटरी, पोटरी होती है बेटा मिट्टी के बर्तन। स्कप्चर्स होते हैं, स्कप्चर्स इस किंग्स के द्वारा लिखवाए गए, मेटल्स के ऊपर लिखवाए गए रिटन एविडेंस। ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट्स होते थे जो साज सज्जा के लिए गहने वगैरह यूज किए जाते थे, उनको बोलते हैं बेटा ऑर्नामेंट्स। तो इन सब से भी हमें हमारे पास्ट की नॉलेज मिलती है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है कॉइन्स। कॉइन्स, जो कॉइन्स हैं वो किसी भी किंगडम के बारे में एक मेन नॉलेज हमें प्रोवाइड करवाते हैं। कॉइन्स, द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज नोन एज न्यूमिस्मेटिक्स। जो स्टडी है कॉइन्स की, जो पहले के कॉइन्स मिले हैं उनको स्टडी, स्पेशल उनकी स्टडी की जाती है उनके बारे में नॉलेज लेने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। कॉइन टेल अस अबाउट द किंग, जो कॉइन है वो किंग के बारे में बताती हैं। देयर एक्सटेंट ऑफ द एम्पायर, उनका एम्पायर कितना एक्सटेंड था, फैला हुआ था। इकोनॉमिक स्टेटस, उनका इकोनॉमिक स्टेटस क्या था, उनकी जो इकोनॉमी थी वो किस टाइप की हुआ करती थी, ट्रेड बेस्ड थी या फिर किसी और बेस पे थी। और किंगडम्स, डेट्स, ओबियसली जो कॉइन्स होते हैं, हम आज भी कॉइन देखते हैं तो उनके ऊपर क्या है, डेट लिखी हुई होती है बेटा। तो ये क्या है, ये पुराने टाइम से ही चला आ रहा है, जिस टाइम के कॉइन्स होते हैं उसी टाइम की डेट भी लिखी होती है। तो लैंग्वेज, और लैंग्वेज ओबियसली, अब क्या है, हम अगर आज के कॉइन्स पे देखें तो कौन कौन सी लैंग्वेज होती है, हिंदी और इंग्लिश। लेकिन क्या है, उस टाइम पे जो भी उर्दू या भी जो भी लैंग्वेज हिंदी यूज की जाती थी वो लिखी होती हैं। ट्रेड, ट्रेड, तो ट्रेड से रिलेटेड जो पहले के किंग्स होते थे ना बेटा, तो वो ट्रेड से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ, आर्ट या रिलीजन से रिलेटेड कुछ ना कुछ अपने कॉइन्स के ऊपर बनवा लेते थे। तो जिससे क्या है, अब अगर हम उनकी कॉइन की स्टडी करते हैं तो हमें जो किंग है उनके किंगडम्स, इकोनॉमी, इन सब की नॉलेज मिलती है। वो कैसे, जैसे दिव्य परीक्षा, दिव्य परीक्षा ए फेमस बुक ऑफ कॉइन्स, ये कॉइन्स की एक बुक है, का नेम है बेटा दिव्य परीक्षा। द लिस्ट ऑफ कॉइन्स मिंटेड ड्यूरिंग द रीजन, इसमें क्या है, उस किसी भी रीजन में किस किस टाइप के कॉइन मिंट किए जाते थे, तो उन सब की नॉलेज मिलती है। कॉइन्स किसी भी के बारे में कैसे पता चलता है, अगर कॉइन्स, जो पहले के किंग्स थे ना वो कॉइन अलग अलग मेटल्स के बनवाते थे। कुछ ने क्या है, कुछ किंग्स ने गोल्ड के कॉइन्स बनवाए, इट मीन्स उसकी जो किंगडम था वो बहुत ज़्यादा डेवलप था, उनकी कंडीशन
बहुत अच्छी थी, तो इसीलिए वो क्या है गोल्ड के कॉइन बनवाए। अगर क्या है किंगडम कुछ ने सिल्वर के, सिल्वर इट मीन्स कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी थी। अब कुछ किंग्स क्या थे जैसे अलाउद्दीन खिलजी थे, तो इन्होंने क्या है इन्होंने जो कॉपर के कॉइन्स थे या कॉइन्स के कॉपर के कॉइन बनवाए, या फिर कुछ ने आयरन के, तो इनसे क्या आता है इनसे पता चलता है बेटा कि उनकी ये जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उसके साथ साथ डेट लैंग्वेज जो भी वो अपने किसी भी रिलीजन की पिक्चर, अगर किंग हिंदू होता तो हिंदू जो गॉड गॉडेस हैं उनकी पिक्चर्स मिलती थी, अगर वो किंग है वो मुस्लिम होता तो वो कुरान या इनसे रिलेटेड कुछ भी मुस्लिम जो सिंबल्स होते हैं उनको बनवाते थे। तो हमें रिलीजन की भी नॉलेज उस टाइम की मिलती है। इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शन क्या होता है बेटा, पहले हम इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ने से पहले ये जानते हैं इंस्क्रिप्शंस क्या होता है। इंस्क्रिप्शन किसी भी हार्ड सरफेस पे, कोई भी हार्ड सरफेस फॉर एग्जांपल पिलर्स, या फिर टेंपल की कोई वॉल है, या ये केव्स हैं, इनके ऊपर किसी भी मेटल के ऊपर, पोटल ये सॉरी इसी कॉपर की मेटल के ऊपर, उनके ऊपर के जो किंग थे अपने उस किंगडम से रिलेटेड जो भी उनकी जो जानकारियाँ होती थी वो लिखवाते थे, या उन्होंने कोई नया रूल चलाया है या कोई नया उन्होंने कानून लाया है, तो उसको भी क्या है ये दिखाने के लिए कि हाँ वो क्या थे उनको इंस्क्रिप्शन के ऊपर लिखवाते थे। दे वर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस, ये क्या है राइटिंग्स हैं हार्ड सरफेस के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल स्टोन मेटल, दे जनरली कवर कॉन्वेट किंग ऑर्डर, ये क्या है मेनली क्या होते थे इंस्क्रिप्शन क्या होते थे किंग्स के ऑर्डर होते थे, कॉन्वे करने के तरीके, अपने जो किंग है उसको जैसे उसने कोई नया रूल बनवाया है उसको कॉन्वे करना है पब्लिक तक ले जाना है, तो वो किसी भी मेन पिलर या फिर वॉल के ऊपर या दूसरी चीज़ों के ऊपर, उनको टेंपल की वॉल वगैरह के ऊपर जहाँ पब्लिक पैलेस होते थे वहाँ पर उनको लिखवा देते थे। वो उनको लिखवा देते थे तो फिर क्या होता था बेटा उनको पब्लिक रीड करती थी, ये क्या होते थे किंग्स के ऑर्डर होते थे। देयर डीड्स जो भी उन्होंने मेन वाक्य होते, देयर प्रीचिंग्स जो भी उन्होंने अपने प्रीच करना था, धार्मिक शिक्षाएं देनी होती थी, कुछ किंग्स क्या है इसको रिलीजन वगैरह को ज़्यादा मानते थे तो अपनी प्रीचिंग्स देते थे, तो इसलिए क्या थे इंस्क्रिप्शन। एग्जाम्पल के लिए कॉपर प्लेट्स, टेम्पल वॉल्स, मॉस्क्योज एंड बिल्डिंग्स, इनके ऊपर क्या करते थे वो इंस्क्रिप्शंस बनवाते थे। फिर आता है म्यूजिक, म्यूजिक की बात करते हैं तो वेरियस स्कूल्स ऑफ म्यूजिक डेवलप ड्यूरिंग दिस पीरियड, जो मिडिवल पीरियड था उस टाइम पे म्यूजिक के बहुत सारे स्कूल डेवलप हुए थे। म्यूजिक प्रोवाइडर्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सोशल एंड रिलीजियस कस्टम, क्या बेटा जो म्यूजिक के थ्रू क्या करते थे किसी भी जो किंग होता था, किंग के एम्पायर होता था उसके सोशल कंडीशन रिलीजियस कस्टम्स उन सबको क्या थे कॉन्वे किया जाता था, इनको माना जाता था। फूड हैबिट क्लोथिंग ये क्या थे म्यूजिक के थ्रू गाकर बताया जाता था, तो इसीलिए क्या है थे ये क्या है मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट तो होता ही है, म्यूजिक क्या है आज भी मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट है और पहले भी क्या था मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट था, लेकिन क्या थे इस म्यूजिक के थ्रू ही इसके जो भी इंफॉर्मेशन होती थी सोसाइटी से रिलेटेड या रिलीजन से रिलेटेड, फूड हैबिट से रिलेटेड या क्लोथिंग पैटर्न या फिर कस्टम्स जो भी फॉलो करते थे उन सब से रिलेटेड क्या थे नॉलेज भी हमें उस टाइम के म्यूजिक से मिलती है, क्योंकि म्यूजिक के थ्रू इन सब का क्या है इन सबको एक्सप्लेन किया है सोसाइटी की कंडीशन को, रिलीजन को, जैसे क्या है जिस टाइम पे ज्यादा रिलीजियस सॉन्ग्स लिखे गए तो वहां क्या था रिलीजन का ज्यादा इफेक्ट था, या फिर दूसरी चीजों के बारे में लिखे, तो इसी तरह जो म्यूजिक है वो भी हमें मिडिवल पीरियड टाइम पीरियड के बारे में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देता है। उसके बाद सेकेंड टाइप आता है बेटा लिटरेरी सोर्सेज, जो लिटरेरी सोर्सेज क्या है लिटरेरी सोर्सेज जो क्या है रिटन फॉर्म में पाए जाते हैं, जो हमें रिटन फॉर्म में मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइक बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, ये क्या है तो इस टाइम पे जो मिडिवल पीरियड